हेलो एवरीवन, सो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि लूटपाट या रॉबरी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, कितनी सज़ा होती है, ये सारी बातें। तो मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल देता हूं। आपको ये लगेगा कि ये चोरी भी हो सकता है और ये ज़बरदस्ती हम कोई चीज़ किसी से छीनते हैं तो जबरन वसूली जिसको हम कहते हैं, एक्सटॉर्शन इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं, ये वो भी हो सकता है। तो एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। तो मान लीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आता है और पीछे से आपके सर पे बंदूक लगाता है और कहता है कि तुम्हारा पर्स मुझे दे दो, तो क्या ये चोरी कहलाएगी, क्या ये एक्सटॉर्शन कहलाएगा, या फिर क्या ये रॉबरी कहलाएगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप रात को सफ़र कर रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपकी कार है, आपकी गाड़ी में चार लोग हैं, साथ आप जा रहे हैं आपके परिवार के साथ। रात को आपको कोई रोकता है मदद मांगने के हिसाब से कि मेरी मदद कर दो, मुझे भी वहाँ छोड़ दो, ऐसा वगैरह, और वो मदद मांगने के लिए आपकी गाड़ी रुकवाता है और आप आपकी गाड़ी रोकते हैं और फिर वो आपके बंदूक तान देता है या फिर चाकू दिखा देता है कि या तो मुझे पैसे दे दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और उसके साथ फिर दो तीन चार लोग और भी आ जाते हैं और वो सब इस तरह की डिमांड करते हैं, तो आप घबरा जाते हैं। फिर एट द एंड आपको आपके पास जो पैसे और जो गहने और जो भी चीज़ होती हैं वो सारी देनी पड़ती हैं, तभी वो आपको छोड़ते हैं। तो क्या ये चोरी होगी, क्या ये एक्सटॉर्शन होगा, या क्या ये रॉबरी होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए कि मैं किसी के घर में एंटर करता हूँ, मैं किसी के घर में घुसा और घर में घुसने के बाद मैं जो घर के सदस्य हैं उन वो मुझे देख लेते हैं कि कोई हमारे घर में घुसा है, तो मैं क्या करता हूँ, उनको एक कमरे में बंद कर देता हूँ सारे लोगों को, और घर में से जो सामान लेना होता है वो मैं लेके आ जाता हूँ। तो क्या ये चोरी होगी कि क्या ये एक्सट्रॉशन होगा कि क्या रॉबरी होगी, लूटपाट होगी ये। तो यही सारा डिफरेंस जो है वो अपन क्लियर भी करेंगे, और बेसिकली रॉबरी क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, या लूटपाट का क्या मतलब होता है वो अपन डिस्कस करेंगे, और रॉबरी अगर आप करते हैं या लूटपाट करते हैं तो कितनी सज़ा आपको मिलती है वो मैं डिस्कस करूँगा। तो इंडियन पिनल कोड, जिसको शॉर्ट में IPC भी बोलते हैं, 1860 का है जो ये, इसमें सेक्शन है 390, जो कि बात करता है रॉबरी की। उसमें डिफ़ाइन किया हुआ है कि रॉबरी क्या होती है। तो रॉबरी जो है उसमें बता रखा है कि या तो वो एक चोरी होती है या फिर वो एक एक्सटॉर्शन होता है। चोरी और एक्सटॉर्शन की मैं वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए, फिर आपको ये रॉबरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आएगा। तो अब बात आती है कि रॉबरी क्या है। तो उसमें लिखा हुआ है कि रॉबरी या तो चोरी होती है या एक्सटॉर्शन होता है। इससे हमको ये समझ में आता है कि जो रॉबरी है वो चोरी या एक्सटॉर्शन, जिसको चोरी को हम थेफ्ट बोलते हैं, थेफ्ट या एक्सटॉर्शन जो है उसका एग्रीवेटेड फॉर्म है, मतलब उसका एक बड़ा भाई हम कह सकते हैं कि चोरी जो है एक वो छोटा कार्य है और रॉबरी जो है वो एक बड़ा है। तो चोरी कब रॉबरी बन जाता है ये हमें पढ़ना है, ये हमें समझना है। तो सेक्शन 390 में बता रखा है कि रॉबरी या तो चोरी होती है या एक्सटॉर्शन होता है। अब बात आती है कि चोरी की, तो अपन सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन थेफ्ट इज़ अ रॉबरी, कब चोरी एक रॉबरी है। थेफ्ट इज़ अ रॉबरी इफ़ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, अगर थेफ्ट एक रॉबरी है अगर आप थेफ्ट कमिट करते समय और इन कमिटिंग द थेफ्ट, या फिर थेफ्ट कमिट करते हैं इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्ट टू कैरिंग अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेंड बाय द थेफ्ट, या फिर चोरी करने के बाद आप कोई प्रॉपर्टी को ले जाना चाह रहे हैं अपने साथ। क्योंकि चोरी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान भी हिला देते हैं, मूव भी कर देते हैं, और आपके मन में विचार होता है कि मैं इसको चोरी कर लूँगा, तो वो भी चोरी में ही इंक्लूड होता है। तो अभी तक आप वो चीज़ लेके नहीं गए, लेकिन अगर आप इस इंटेंशन से हैं, आप ये अटैम्प्ट करते हैं जिससे वो जो चीज़ है वो आपके पास आ जाए, तो द ऑफेंडर, ऑफेंडर मतलब जिस व्यक्ति ने ये जो एक्ट किया है, फॉर दैट एंड वॉलेंट्री कॉजेज और अटैम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन, वॉलेंट्री मतलब अपनी पूरी इच्छा से, उसको पता है कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ वो एकदम मेरी इच्छा से हो रहा है, उस पर किसी पर्सन का कोई दबाव नहीं है। वॉलेंट्री जो वर्ड है ये भी IPC के अंदर डिफाइन है। तो
वॉलेंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, वॉलेंट्री वो कुछ करता है या कॉज अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रीम, या तो वो किसी की मृत्यु करने वाली कार्य करे या किसी को हर्ट करे मतलब किसी को चोट पहुँचाए, या फिर किसी को रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करे मतलब किसी को वो एक जगह रोके। रोकने से मतलब ये है कि तुम यहीं खड़े रहो और मैं जब तक ना कहूँ तब तक मत हिलना। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप रोकने जाने से मना कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो वो होता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, जो कि आईपीसी में भी डिफाइन है। हर्ट भी आईपीसी में डिफाइन है, और डेथ मतलब मर्डर का जो ऑफेंस है वो भी आईपीसी में डिफाइन है कि अगर आप डेथ अटेम्प्ट करेंगे तो अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन डेथ हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, या फिर आप कर भी देते हैं वॉलेंट्री क्रॉजेज टू एनी पर्सन डेथ हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, या फिर और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, या फिर ऐसा हो कि आप किसी व्यक्ति को मन में डर बैठा रहे हो कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मुझे चोरी कर लेने दो, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा, अगर तुम मेरे पास आए तो तुम्हें रॉन्गफुल रेस्ट्रेन हो जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बंदूक है और मैं बंदूक को निशाने तुम्हारे पे साध के रखूंगा और कह दूंगा कि दूर खड़े रहो, मेरे पास मत आओ, मुझे चोरी करनी है। तो अगर इस तरह का अगर कोई एक्ट करता है तो वो जो चोरी है वो कहलाएगी रॉबरी। तो अब मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको कि मैं किसी के घर में एंटर करता हूँ और घर में एंटर करने के बाद मैं लोगों को जो है वो एक कमरे के अंदर या तो बंद कर दूँ, और या फिर उनको बंद ना करूँ तो उनको एक जगह साइड में खड़ा करवा दूँ और कह दूँ बंदूक के निशाने पे कि तुम यहीं खड़े रहना, हिल गए तो तुमको मार दूँगा। तो यहाँ पे क्या है, उनको इंस्टेंट डेथ का भी डर है और उनका एक रॉन्गफुल रेस्ट्रेन भी हो रहा है क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे, वो उस जगह उस दिशा में ही जाना चाहेंगे जहाँ से चोर जा रहा है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप पकड़ ना पाएँ इसीलिए जो चोर है उसने बंदूक दिखा रखी है तो आप नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जब फियर है तो फियर कैसा है, या तो डेथ का है या फिर हर्ट का है या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का है, तो आप ये मानेंगे कि वो जो चोरी है वो चोरी ना कहते वो रॉबरी कहलाएगी, वो एक एग्रीवेटेड फॉर्म होगा चोरी का। तो जो सज़ा होती है चोरी की वो 3 साल होती है, तो रॉबरी की भी जो सज़ा होगी वो एग्रीवेटेड हो जाएगी, तो उसकी सज़ा भी बढ़ जाएगी। तो जो रॉबरी की जो सज़ा है कि अगर आप रॉबरी करते हैं तो वो दे रखी सेक्शन 392 के अंदर, जिसमें बता रखा है कि 10 साल की आपको सज़ा मिलनी है। तो ये तो था कि रॉबरी अगर थेफ्ट है तो, अब रॉबरी अगर मान लीजिए कोई मतलब थेफ्ट अगर रॉबरी कहला रहा है तो यहाँ पे ये सज़ा है। अब मान लीजिए एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी कब कहलाएगा, तो एक्सटॉर्शन में मैंने आपको बताया था, जो मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, कि आप किसी को ऐसा डर बैठाते हैं कि उसको इंजरी कॉज करेंगे और उस इंजरी कॉज करने से उस पर्सन की आपको या तो प्रॉपर्टी लेते हैं उसी से मांगते हैं कि मुझे दे दीजिए ये प्रॉपर्टी नहीं तो तुम्हें ये इंजरी कॉज कर दूंगा, या फिर आप उससे कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जिसको आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बन जाता है, एक्सटॉर्शन रॉबरी तब बन जाता है जब आप इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट वाला काम करेंगे। जैसे मैं आपके घर में जाऊं, या फिर मैं जैसे हाईवे पे चल रहे हैं आप, और हाईवे पे आपकी कार को रोका जाता है और आपसे कहा जाता है कि जो भी आपके सामान है पैसा है वो सब मुझे दे दो, तो यहाँ पे मैं चोरी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे मांग रहा हूँ ना। चोरी में तो क्या होता है कि मैं खुद लेता हूँ उस चीज़ को, मैं यहाँ पे आपको बंदूक दिखा के और मांग रहा हूँ कि आपके पास जो जो सामान है वो सारा मुझे दे दो, जो जो पैसे वो मुझे दे दो, सारे पर्स मुझे दे दो, घड़ी फ़ोन मुझे दे दो, तो मैं मांग रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्सटॉर्शन में भी क्या होता है, आप मांगते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि आप बंदूक की नोक पे मार रहे हैं, आप दिखा रहे हैं बंदूक, उस पर्सन को डर है कि अगर मैंने ये नहीं दिया तो मेरी मृत्यु हो सकती है या मुझे हर्ट तो कॉज हो सकता है, मेरी मार पिटाई हो सकती है, तो उस पर्सन को वो डिलीवर करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर वो पर्सन डिलीवर करता है तो यहाँ पे आप रॉबरी का ऑफेंस जो है, जिस पर्सन को ये जो चीज़ मांगता है वो रॉबरी का ऑफेंस कर देता है। तो एक्सटॉर्शन में ना काउंट होके ये रॉबरी में काउंट होगा। एक्सटॉर्शन में जो पनिशमेंट है वो 3 साल का ही है, तो रॉबरी में जो पनिशमेंट है वो 10 साल का है। तो रॉबरी में जो भी चाहेगा वो व्यक्ति, अगर जिसके खिलाफ ये कोई ऑफेंस होता है, जिसके अगेंस्ट ये हो रहा है, तो वो व्यक्ति चाहेगा कि आप रॉबरी के अंदर पनिश हो, आपको कम सज़ा क्यों मिल जाए, आपको ज़्यादा सज़ा दी जाए क्योंकि आपने रॉबरी की है। तो अब ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि एक्सटॉर्शन में भी तो यही था कि इंजरी का डर था वहाँ पे। तो बात ये है कि वहाँ पे क्या है कि इंजरी जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, जो सेक्शन 44 में भी दे रखी है आईपीसी में, कि वो बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन चारों इंक्लूड करती है।
लेकिन यहाँ पे जब रॉबरी है इसमें रेपुटेशन का कहीं भी बात नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी बॉडी से रिलेटेड बात है कि आपका या तो हर्ट हो जाए या आपको डेथ हो जाए या फिर आपका रॉन्गफुल रेस्टोरेंट हो जाए। तो वहाँ पे रेपुटेशन भी थी लेकिन यहाँ पे रेपुटेशन नहीं। तो एक्सटॉर्शन में जब आपसे मैं कहूँगा, मैं अगर कहता हूँ किसी व्यक्ति से कि मैं तेरे लिए अखबार में ऐसी बात छपवा दूँगा जिससे तेरे को नुकसान हो जाएगा कि तू है ना डिफॉल्टर है और तूने जो है पैसे नहीं दिए किसी के जिससे भी उधार लेता है, तो ऐसी ही क्या है कि आपकी छवि खराब हो जाएगी। तो अगर कोई आपको ऐसी धमकी देता है और आपसे कोई प्रॉपर्टी मांगता है कि या तो मुझे इतने रुपए दे दो नहीं तो ऐसा कर दूंगा, तो वो एक्सट्रॉशन कहलाएगा। लेकिन रॉबरी में वो चीज़ कब आएगी? रॉबरी में वो चीज़ तब आती है जब आप कोई ऐसी चीज़ मांगते हैं जिससे उस सामने वाले पर्सन को फियर है कि यार ये मेरी मृत्यु हो सकती है या मुझे हर्ट हो सकता है, मतलब मेरे चोट पहुँचा सकता है या फिर मुझे रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करेगा। तो यहाँ पे जो है वो एक्सटॉर्शन है वो माना जाएगा कि ये रॉबरी है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।